बॉलीवुड टाउन और यहाँ के कलाकारों की दुनिया बहुत ही ज्यादा विवादों से घिरी रहती है, लेकिन नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो की टीम भारत देश के सबसे बड़े जो है सो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज की टीम है, नार्को एंटी ड्रग एजेंसी जिसे कहा जाता है, वो एनसीबी की टीम जो मुंबई, महाराष्ट्र, पुणे, गोवा इन सब पर फेमस है, जिसके जोनल डायरेक्टर महाराष्ट्र के मुंबई में एनसीबी के समीर वानखेड़े हैं। समीर बहुत कम उम्र में इतनी बड़ी पहचान बना चुकी, ऐसे में समीर पर जो आज तक एक दाग नहीं लगा, उनकी इमेज पर जो एक दाग नहीं लगा, जो कभी भी गलती करते नजर नहीं आए, वो मुसीबत में पड़े जब साथ में सामने आया हाल ही में एक मामला आर्यन खान का। इस मामले ने उन्हें बहुत ही ज्यादा परेशानी पहुंचाई है। अब समीर वानखेड़े को लेकर नई खबर क्या आई है, जानिए इस स्पेशल रिपोर्ट में। आर्यन ड्रग मामले में मुसीबत का सामना कर चुके समीर वानखेड़े, जो कि एनसीबी के जोनल डायरेक्टर रहे, जिन्होंने तमाम प्रकार के इल्ज़ाम सहे हैं आर्यन ड्रग मामले से, उन्हें साइडलाइन कर दिया गया और साथ में नज़र आए एसके सिंह के साथ साथ सत्यनारायण, जिन्होंने इस केस की जांच को लेकर काफ़ी बदलाव अपने लिए देखे। लेकिन समीर वानखेड़े को शो इससे बाहर कर देना, नए आईपीएस अफसर को सामने लाना समीर के एम्बेरस होने की वजह बना। हाईकोर्ट से उन्होंने मदद मांगी और कहा कि मुझे इस मामले से बाहर कर दिया जाए, क्योंकि मुझ पर कई आरोप सोशल मीडिया पर नेगेटिव कमेंट कर मिल रहे हैं। ऐसे में देखा जाए तो काफ़ी मुश्किलें तो हुई ही हैं। उसी आर्यन के बाद मान लीजिएगा कि उसी देखा जाए तो उसी अनुजा देखा जाए तो उसी आर्यन केस में अब निलंबित करने की मांग हुई है। जी हां, एनसीबी के क्षेत्रीय निदेशक समीर वानखेड़े को निलंबित करने की मांग उठाई गई थी पहले। अब इस मामले में जो है मादक पदार्थ जो मामला मिला था वो फर्जी था। आर्यन और अन्य के खिलाफ जो भी ड्रग्स मिले थे वो फर्जी थे, इस दावे की पुष्टि कर दी गई। बॉम्बे उच्च न्यायालय के विस्तृत आदेश ने उनके इस दावे को पुष्टि कर दी कि आर्यन मामले में जो भी नशीला पदार्थ था फर्जी था, जिसके कारण समीर वानखेड़े की मुसीबत बढ़ी है। समीर पर लगे इल्ज़ामों को अभी तक समीर खुद गलत साबित नहीं कर पाए, उन पर एक नहीं कई इल्ज़ाम थे। रैमसन्स के मामले, नवाब ने उन्हें कहा कि गैरकानूनी काम करने के लिए तैयार थे समीर वानखेड़े पैसे के लिए। रिकॉर्ड शायद ही कोई सबूत है जिससे समझ आए कि तीनों आरोपी समान इरादे के साथ एक गैरकानूनी काम करने के लिए तैयार थे। ऐसे आरोप तो आर्यन पे भी लगाए गए समीर की तरफ से, लेकिन वो प्रूफ नहीं कर पाए। तो आपने जाना आज हमारे इस स्पेशल ट्रेंडिंग बॉलीवुड में आर्यन खान को लेकर फंसे समीर खान की मुसीबत क्यों कम नहीं हो रही है। उम्मीद करते हैं कि समीर वानखेड़े इस मामले से बाहर निकले, क्योंकि जो भी आरोपी पकड़े गए हैं और इन मामले पर उन पर जल्द तहकीकात ना हो तो वक्त पलट सकता है। वक्त हो गया है इजाजत लेने का, देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज़। नमस्कार।